वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुल्तानपुर तो उदासियां ले चलना। कुछ दिन सुल्तानपुर लोधी विखे कीर्तन का परवाह चला के अते नगर वासियां नू सच्चे धर्म का उपदेश दे के गुरु जी संसार का कल्याण करने वास्ते निकल तुरे। उन्हां अपने इस उद्देश बारे बेबे नानकी जी अते पत्नी सुलखनी जी नू जद दसिया तां ओ बहुत उदास हो गईयां। बेबे नानकी दा प्यार वीर लई उस दियां अखां सामने ही एक पूजनिक हस्ती बन गया सी। राय बुलार अते बेबे नानकी पहले दो व्यक्ति सन जिन्हां नू ए पता लग गया सी कि नानक निरंकारी रूप है अते ओ इस सड़दी बलदी दुनिया नू शांत करन वास्ते आए हन। इस लई उस नू ए फखर सी कि उसका वीर अकारत ही परिवार नू छड के नहीं जा रहा सी बल्कि ओ लुकाई नू प्रेम दी सिख्या देण जा रहे सन। गुरु साहब ने उन्हां नू दिलासा दिता, असी सब जीव परमात्मा दे आसरे हाँ, परमात्मा सब दी पालना करदा है, ओ तुहाडी भी पालना करेगा, मैं किते दूर नहीं चलिया, सदा ही तुहाडे पास आ, जद भी तुसी मैनू याद करोगे मैं उसे वेले तुहाडे पास पहुँच जावांगा। इस तरह घर वालियां नू धरवास दे के सारे नगर नू अलविदा कह के गुरु जी लंबे पंध ते निकल तुरे। नवाब दौलत खान लोधी अते होर अमीर वजीर वी भिजियां अखां नाल गुरु जी नू अलविदा कहण आए। सारा शहर इन्ना उदास हो गया जिवें उन्हां दी सब तो प्यारी चीज किते दूर जा रही होवे। सुल्तानपुर लोधी तो चल के गुरु जी ने ब्यासा नदी नू पार कीता ते उस उजाड़ वाले स्थान ते जा बैठे जिथे अजकल गोइंदवाल शहर वसदा है। गुरु जी ने एक संघने ब्रिश दे हेठां डेरा कर लिया। जद कुछ समा बीत गया तां भाई मरदाना जी कहण लगे, सतगुरु जी मैनू बहुत भुख लगी है, तुसी उजाड़ विच बैठ गए हो जिथे दूर दूर तक मनुख दिखाई नहीं दिंदा है। गुरु जी ने मरदाना जी दी ए गल सुन के मुस्कुराए अते फरमाया, जिस स्थान उते असी बैठे हाँ इत्थे कुछ समय बाद एक भला पुरश शहर आबाद करेगा, इत्थे प्रभु दे नाम दा जाप होवेगा ते साडी सिक्खी दा विस्थार होवेगा। बाकी रही तेरी भुख दी गल, हाले तां असी कुछ पैंडा भी नहीं कीता, असी बहुत लंबियां यात्रावां करनियां हन, तैनू कुछ सबर संतोख तो भी कम लैणा पवेगा। गुरु जी उत्थे बैठे ही सन तां उस जमीन दा मालक अपने खेतां विच फेरा मारन आया। उस जद वेख्या कि उस खेत विच दो साधु आराम कर रहे हन तां ओ अपने घर नूं मुड़ गया। घर विचों कुछ प्रसादे अते दुध लै के गुरु जी पास हाजर हो गया। गुरु जी नूं वंदना करके उस बेनती कीती, संत जी मैं कुछ अन्न पानी अते दुध लै के आया हाँ, किरपा करके सेवन करो। गुरु जी ने उस पासों दुध अते प्रसादे लै लए ते उस मनुख नूं कहण लगे, पुरशा तेरा केड़ा पिंड है? उस मनुख ने दसिया कि ओह बैरोवाल दा रहण वाला है। फिर गुरु जी ने पुछया, पुरखा ये जमीन तेरी है? उस मनुख ने गुरु जी वल वेख्या, उन्हां दे चेहरे ते उसनु इलाही नूर विखाई दिता, आप भी किसे अदुत्ती सुरूर विच भर के ओह बोलिया, महापुरशो ये जमीन तुहाडी ही है, मैं तां तुहाडा राहक हाँ। सतगुरु जी ये उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न होए अते कहण लगे, किसे दिन तेरी इस जमीन उत्ते एक सुंदर शहर वसेगा अते तू अपने इलाके दा वड्डा सरदार बनेगा। ये वर दे के गुरु जी ने मरदाने नू प्रसादे खाण नू दित्ते ते दुध दा कटोरा भी उस दे अगे धर दिता। ये वेख के ओ जिमीदार बहुत हैरान होया अते कहण लगा, महाराज तुसां तां अन्न नू मूंह नहीं लाया है, मेरी बेनती मान के कुछ अन्न पानी छक के मैनू कृतार्थ करो। गुरु जी ने उस दी बेनती मान के कुछ दुध छकिया। उस तो बाद गुरु जी अगे चल के उस स्थान ते पहुँच गए जिथे अजकल अमृतसर शहर वसदा है। जेकर तुहानू साडी इह वीडियो पसंद आई तो इस नू लाइक शेयर अते सबसक्राइब जरूर करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।